तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप सैमसंग के प्रिंटर से कैसे जो है अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट कर पाएंगे। इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो मेरे पास जो प्रिंटर है सैमसंग का है और उससे हम प्रिंट करेंगे और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, जिससे आप आसानी से जो है कोई भी प्रिंटर में भी जो सैमसंग अगर प्रिंटर होगा तो वहाँ से आप आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले मान ली कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उसको हमको पहले सबसे पहले ओपन करना होगा। तो मेरे पास मान ली कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और यहाँ पे मान ली मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको ओपन विथ पे पहले क्लिक करना है। तो दो कंडीशंस है, आप डायरेक्ट भी प्रिंट का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले ओपन विथ एक ऑप्शन आ जाता है और इसको ओपन करना है। तो ओपन आप देखिए एडोब में भी कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप पे कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी ये सारे के सारे रहेंगे उन सब में से किसी पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लें हम ओपेरा पे कर रहे हैं तो आप क्रोम पे भी कर सकते हैं या फायरफॉक्स। चलिए हम ओपेरा ना करके हम फायरफॉक्स पे ही कर लेते हैं। तो अगर हम आप किसी भी ब्राउजर वगैरह को यूज करेंगे तो आप यहाँ से देखिए इस तरह से मान लीजिए इंटरफेस खुल के आ गया और ये पूरी तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है कि ये पूरा मेरा पीडीएफ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लोड हुआ, लोड होने के बाद अब इसको हमको प्रिंट करना है। तो अब यहाँ से देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ थ्री डॉटेड लाइन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दोनों में से कहीं से भी आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो आसानी से हम यहाँ पर जो प्रिंट ऑप्शन मिल जाए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका प्रिंटर का जो मॉडल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सेलेक्टेड है तो आप सेलेक्ट करिए। जैसे मेरे पास और भी प्रिंटर्स हैं तो मेरे पास सैमसंग का जो है SCX4654x211X सीरीज है। तो ये वाला मेरा प्रिंटर है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद यहाँ देखिए कितना कॉपी निकालना है, यानी कि अगर एक कॉपी है, दो कॉपी, चार कॉपी, जो भी निकालना हो आप यहाँ से सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पेज के ऊपर लंबा निकालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि A4 साइज में जो है लंबा दिख रहा है तो उस तरह से निकालना है। तो इसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं और अगर आपको लैंडस्केप कर देंगे तो ये चौड़ा पेज में आपका निकलेगा। तो इसको जिस तरह से भी आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे है पेज, अब यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को समझना है, अगर एक पेज है तो आप आराम से ऑल पे रहने दें निकल जाएगा, दो पेज है, चार पेज है, दो ही ऑल पे रहने दीजिएगा, एक बार प्रिंट मारेंगे तो सारे के सारे निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है करेंट, यानी करेंट का मतलब होता है जो सामने पेज दिख रहा है वही पेज आपको जो है प्रिंट होगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है ऑड, ऑड का मतलब मानो कि आपके पास जो है 20-25 पेज है और 20-25 पेज में से आप क्या चाहते हैं कि बैक टू बैक निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर मान ले आगे 1 है तो ऑड आता है, पीछे में उसका इवेन हो जाता है। तो पहले ऑड अगर प्रिंट करेंगे तो सामने के जितने भी पेज होंगे 1 पेज 1 नंबर 3 नंबर, फिर उसके बाद आपका जो है 5 नंबर, फिर उसके बाद 7 नंबर, ये वाला हो जाएगा। अब फिर जब उसको प्लट कर लगा देंगे और फिर क्या कर देंगे इवेन नंबर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जितने भी इवेन जैसे 2, 4, 6 ये वाला पेज पीछे से बैक में प्रिंट हो जाएगा। कस्टम मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 50 पेज का जो है आप प्रिंट कर रहे हैं और 49वां पेज नहीं प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 49 लिखेंगे तो वो पेज आ जाएगा, 5वां पेज करना है तो 5 लिखेंगे तो आ जाएगा। तो कस्टम इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है और इसमें मेरे पास तो सिर्फ एक ही पेज है, अगर और रहता तो हम प्रिंट करते। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे जब आ जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे मोर सेटिंग पे है, तो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब कहता है पेपर का साइज, तो यहाँ से पेपर साइज अपना जो भी रहेगा उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना। तो जनरली तो A4 साइज का रहता है तो आप A4 साइज से सेलेक्ट करके रख लें। फिट, अब देखिए यहाँ पे ये फिट दिख रहा है, अभी कोई कोई पेज हो जाएगा कि आपको यहाँ पे फिट नहीं दिखेगा, मान लो कोई बड़ा ही छोटा दिखना चाहिए, इसी को कुछ छोटा में प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि स्केल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 100 दिख रहा है, अब जब इसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसका साइज जो है डिक्रीज करते जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, तो हम यहाँ से इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं कितना पेज को छोटा में निकालना है। अब यहाँ से ये छोटा हो गया और इसी को अगर हम बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। हंड्रेड, अब इससे भी बड़ा चाहते हैं तो इससे भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको जो है यूज करके अपने पेज पे जितने भी राइट किया हुआ है इसको एडजस्ट कर पाएंगे।
उसके बाद आप आगे की ओर चलेंगे तो पेपर शीट है। अब जैसे पेपर शीट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये दो पेज है तो ये चीज़ यहाँ पे अगर दो पेज रहता तो ये दो, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो हम एक और दूसरा पीडीएफ ले लेते हैं, वहाँ समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर इसमें देखिए चार पेज है तो इसमें अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। पेपर साइज ले लिया, स्केल समझ में आ गया आपको। अब पेज शीट, अब जैसे देखिए अगर मान लें मेरे पास चार पेज है और हम लैंडस्केप मोड में ऐसे ऐसे दो पेज एक ही साइड निकालना चाहते हैं तो दो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका क्या होगा, ये दोनों सामने सामने। अगर आप क्या कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में जो है आप चारों को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ फोर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अगर आप छः करना चाहते हैं तो छः, अगर दो और आपके पास है तो दो और भी आप इस तरह से प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 16 को जो है प्रिंट हो सकता है अगर आप चाहें तो। इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। अगर मान लें हम चार करते हैं तो चार में देखिए इस तरह से दिखने के लिए मिल जाएगा डिफरेंट। आप इसको मिनिमाइज या नन नहीं करें, डिफरेंस ही रहने दें। मार्जिन मतलब होता है किनारे से कितना जगह होना चाहिए, तो मिनिमम भी कर सकते हैं नन भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से प्रिंट करेंगे। और टू साइड प्रिंट, और अगर टू साइड करना है तो फिर यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अपना प्रिंटर को ऑन कर लेना है सबसे पहले। तो प्रिंटर को हम ऑन करते हैं तो प्रिंटर ऑन होते के साथ देखिए यहाँ पे लाइटें जलेंगी और इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब क्या करना है, जब आपका प्रिंटर का ये वाला लाइट पूरी तरह से जल के रेडी हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ये दिखाता है स्टेटस ठीक ठाक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये लाइनिंग जो है घूमने लगेगा और यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली हमारा जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर दिया है। और अगर बात करें तो इस तरह से आपको प्रिंट देखने के लिए गाइस मिल जाता है। ये टोटल देख रहे हैं कि चार के चार हम लोग प्रिंट कर दिया। अगर आप एक सेलेक्ट करेंगे तो एक ही प्रिंट हो पाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं सैमसंग के क्या कहते हैं प्रिंटर से। तो अगर पूरी तरह से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप प्रिंट आउट कर पाएंगे सैमसंग के प्रिंटर से, तो काफ़ी आसान रहा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि नए जब भी मैं आपके नया वीडियो लाऊं तो आपको जो है मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।